अब अलग अलग काम के लिए अलग अलग ऐप नहीं, हर दुकानदार की बस एक ही ऐप बिग ब्लिस। बिग ब्लिस चुने, केवल 30 सेकंड में अपने स्टोर को दुनिया के सामने लाएं, अपने कारोबार को बढ़ाएं, मुनाफा कमाएं, खुशियां कमाएं। बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। ग्लोबल मार्केट में खाने वाले तेल की कीमतों में आई गिरावट की वजह से घरेलू बाजार में तेल की कीमतें फिसल गई हैं। सरसों, सोयाबीन, मूंगफली, बिनौला, सीपी और पामोलियन की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अन्य तेल की कीमतें सामान्य रही हैं। बाजार सूत्रों ने बताया कि आयात किए जाने वाले सोयाबीन, डिगम, सीपीओ, पामोलियन और सूरजमुखी तेल के थोक दाम में लगभग 50 रुपए किलो तक की गिरावट आई है। इसके अलावा आयातकों ने जिस पुराने खाद भाव पर खाद्य तेलों का आयात कर रखा है, विदेशों में तेल तिलहनों के भाव अचानक टूटने से इन आयातकों को खरीद भाव के मुकाबले 50 से 60 डॉलर नीचे के भाव पर अपने माल को बेचना पड़ सकता है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए के अपने ऐतिहासिक निम्न स्तर पर पहुंचने से आयातकों को कहीं अधिक पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। इससे जहां देश में आयातक की बुरी हालत है, वहीं उनके लिए अब खरीद के मुकाबले काफी सस्ते दाम पर तेल बेचना होगा। लेकिन इन सब के बाद भी इस गिरावट का लाभ उपभोक्ताओं को नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि खुदरा कारोबार में अधिकतम एमआरपी की आड़ में उपभोक्ताओं से मनमानी कीमत वसूली जा रही है। सूत्रों ने कहा कि सीपीओ में कारोबार शून्य है और बिनौला में भी कारोबार समाप्त हो चुका है। मलेशिया एक्सचेंज के कमजोर रहने और विदेशों में इस तेल का भाव 200 से 250 डॉलर टूटने से सीपीओ, पामोलियन और सोयाबीन तेल तिलहन कीमतों में भी पिछले सप्ताहांत के मुकाबले गिरावट आई है। इसके अलावा सरसों खली की मांग कमजोर रहने से समीक्षाधीन सप्ताह में सोयाबीन तेल तिलहन कीमतों में साधारण गिरावट देखने को मिली थी। वहीं विदेशों में भाव टूटने और उसकी वजह से स्थानीय खाद्य तेलों पर दबाव होने के बावजूद सरसों पर कोई खास फर्क देखने को नहीं मिला है। बाजार में सरसों की आवक घटकर लगभग 2.25 लाख बोरी रह गई है, जबकि यहां इसकी दैनिक मांग लगभग 4.5 से 5 लाख बोरी की है। सरसों का इस बार उत्पादन जरूर बढ़ा है, पर आयातित तेलों के महंगा होने के समय जिस रफ्तार से सरसों के रिफाइंड बनाकर आयातित तेलों की कमी पूरा किया गया, उससे आगे चलकर त्यौहार के मौसम में सरसों या हल्के तेलों की दिक्कत बढ़ सकती है। सहकारी संस्थाओं के पास इस बार इसका स्टॉक भी नहीं बनाया गया है। त्यौहार के दौरान ऑर्डर की कमी होने की वजह से खाद्य तेल आपूर्ति की दिक्कत देखने को मिल सकती है। वहीं सूत्रों ने बताया कि विदेश में भाव टूटने और मांग कमजोर रहने से सोयाबीन दाने और लूज में थोक भाव 390 रुपये और 290 रुपये की गिरावट के साथ ये 6,410 से 6,460 रुपये और 6,210 से 6,260 रुपये प्रति क्विंटल पर दिखे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।